नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गणित लेकर आया हूँ। यदि आपके पास कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए, मतलब कोई आपको यह कह दे कि आपको केवल 2 का पहाड़ा का उपयोग करना है और आपको गुना करके बताना है, तो क्या आप ये कर सकते हैं? बिल्कुल, आज के वीडियो को पूरा देखिए। जैसे हमें कोई कह दे 44 को गुना करना है 46 से, तो क्या हम इसको गुना कर सकते हैं बिना किसी पहाड़ा का उपयोग करें? मतलब आपको केवल और केवल 2 का पहाड़ा का उपयोग करना है और इसके अलावा किसी भी पहाड़ा का उपयोग नहीं करना है और इसको आपको गुना करके बताना है, मतलब इसका उत्तर आपको ला के बताना है। कैसे भी करिए, बस आपको क्या करना है, 2 के अलावा किसी भी पहाड़ा का उपयोग नहीं करना है। तो जी हाँ दोस्तों, ये संभव है। तो पहले हम देख लेते हैं कि वास्तव में ये संभव कैसे होगा, उसके बाद मैं उसके बेसिक ट्रिक को ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपने इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आल को टच कर दीजिएगा। देखिए, यहां पर हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं में कोई भी संख्या को आपको क्या करना है, एक संख्या को 2 से, क्योंकि हमको क्या करना है, केवल 2 के पहाड़ा का उपयोग करना है, इसलिए इनमें से किसी एक संख्या को आपको 2 से भाग देना है और एक संख्या को 2 से गुना करना है। चाहे तो आप इनमें से कोई भी संख्या ले सकते हैं, ध्यान ये देना है, एक संख्या को 2 से भाग देंगे और एक संख्या को 2 से गुना करेंगे। उदाहरण के लिए हम इसको 2 से भाग देते हैं। चलो मैं इसको 2 से भाग देता हूं, तो कितना बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद फिर इसको हम भाग देना चाहे तो फिर जाएगा, तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। इसके बाद हम फिर इसको हम भाग देना चाहे तो फिर जाएगा, 2 पंचे 10। फिर भाग देना चाहेंगे, 2 दूनी 4। फिर भाग देना चाहेंगे तो 2 एक कम 2। इसको तब तक हमें भाग देना है जब तक ये पूरा इस प्रकार भाग न चला जाए। ध्यान दीजिए, शेष फल बचता है उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। आपको इस प्रकार इनको भाग देना है और आखिरी तक भाग देना है, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो पहला संख्या होगा, दूसरा संख्या को क्या करना है, बस इनको 2 से गुना करते जाना है। इसको मैं 2 से गुना करूंगा तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 9, ठीक है, इसका 2 गुना हो गया। फिर इसको फिर 2 से पहाड़ा पढ़िए, 2 से फिर गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, ठीक है। उसके बाद फिर इसको 2 से गुना करिए तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1 और 2 एक कम 2 और 3। इसको फिर आप क्या करिए, 2 से गुना करिए, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 रेख 13, 3 दूनी 6 रेख 7। इसको फिर आप 2 से गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 रेख 7 और 7 दूनी 14। तो ये आपका प्रश्न हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान देना है, जो भी संख्या इसमें आपको देख लेना है, जो भी संख्या सम वाला हो, है ना, तो आपको उस सम वाले संख्या को हटा देना है। मतलब आपको शुरू से आखिरी तक, यहां से लेके यहां तक सम वाले संख्या में, पहले इधर तो सम वाले संख्या जो दिख रहा है उसको घेरा लगा लीजिए। इसको भी ध्यान दीजिए, जिसको आपने 2 से भाग दिया है उसमें पहले सम वाले संख्या को घेरा लगा लीजिए। तो ये भी खुद सम संख्या था, ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है, तो जितने सम संख्या आपको दिख रहा है उसको आप कट लगा दीजिए। मतलब इस प्रकार के जो संख्या है उसको कट लगाना है, क्यों, क्योंकि जहां पर सम संख्या है उस संख्या को हमें गिनना नहीं है, उस संख्या को हमें गिनना नहीं है, है ना, उस संख्या को हमें नहीं लेना है। बाकी जो संख्या बच गया उसको हमें जोड़ लेना है, मतलब यहां पर 184, 368 और 1472, इनको हम जोड़ेंगे। अब देखिए, हमने अभी तक किसी भी संख्या का पहाड़ा का उपयोग नहीं किया है, केवल 2 के पहाड़ा का उपयोग किया है। अब इनको हम जोड़ेंगे, देखिए 8 तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 का 4 हासिल 1 जाएगा, उस 1 को हम यहां मानते हैं तो ये भी 7 हो गया। तो हम ये कहेंगे 7 × 7 = 14 और 7 × 21 और हासिल कितना हो गया, 22 हो गया। अब यहां पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और 4 4 8 हो जाएगा और 8 और 2 10 का 0 हासिल 1 जाएगा और ये हो जाएगा ये। तो दोस्तों, ये हमने कर दिया बिल्कुल सरल तरीके से इसका गुना। देखिए, हमने कहीं पर भी 2 के अलावा किसी भी पहाड़ा का उपयोग नहीं किया। चाहे तो इसका उत्तर आप जांच भी कर सकते हैं कि वास्तव में इसको गुना करने से इसका उत्तर जो है इतना आता है कि नहीं आता है, करके देखते हैं। भाई, हमें गुना करना था 44 × 46। इसको गुना करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, अगर इकाई की संख्या का योग 10 हो, ध्यान दीजिएगा मैं एक नया तरीका बता रहा हूं, और दहाई की संख्या बराबर हो, तो आपको इस प्रकार की संख्या को गुना कैसे करना है, जो इकाई संख्याओं का योग जो 10 है उनको आप गुना कर दीजिए, तो 6 चौक कितना हो गया, 24, और दहाई की संख्या जो बराबर होते हैं उसको एक अधिक संख्या से गुना कर दीजिए। जैसे 4 है तो उसको 5 से गुना कर देंगे, 4 पंचे
20। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने जो उत्तर लाया था और ये जो उत्तर लाया है दोनों बिल्कुल सही है, मतलब हमने जो गुना किया है वो बिल्कुल सही है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ये ट्रिक काम कैसे करता है। दोस्तों यह काम करता है द्विआधारी पद्धति पर। जी हाँ दोस्तों, द्विआधारी पद्धति किसे बोलते हैं, कोई भी संख्या जैसे 44 है इसको हम क्या करते हैं, दो से भाग देते हैं, है ना। और दो से जब हम भाग देते हैं, जैसे 2 × 2 = 4, फिर दो से भाग देंगे, 2 × 1 = 2, फिर दो से भाग देंगे, ध्यान दीजिए भाग जा रहा है, शेष नहीं बचा, शून्य लिखेंगे, यहां पर भी शेष नहीं बचा, शून्य लिखेंगे, फिर दो से भाग देंगे, 2 × 5 = 10, यहां पर शेष बच के उसको लिख देंगे, फिर दो से भाग देंगे, 2 × 2 = 4, यहां पर भी एक शेष बचा उसको लिख देंगे, फिर भाग देंगे, 2 × 1 = 2, तो यहां पर शेष नहीं बचा। अब इसको हम उल्टे क्रम में लिखेंगे, ठीक है, इसको उल्टे क्रम में लिखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 का प्रयोग हुआ है, 0 का प्रयोग हुआ है, 1, 0, है ना, 1, मतलब यहां पर केवल 2 ही संख्याओं का प्रयोग हो रहा है और इसको कहा जाता है द्विआधारी पद्धति, जिसमें हम केवल 1 और 0 का प्रयोग करते हैं। और निश्चित रूप से आप द्विआधारी पद्धति के बारे में जानते होंगे, और अगर आपको द्विआधारी पद्धति के बारे में जानकारी नहीं है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं द्विआधारी पर एक छोटा सा वीडियो जरूर बनाऊंगा जो बहुत ही उपयोगी होगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर मैं कुछ संख्या लिख रहा हूं, इसको आपको अभी मैंने जो तरीका बताया है जिसमें आपको केवल 2 का पहाड़ा का उपयोग करना है और इस संख्या को गुना करके आपको बताना है। निश्चित रूप से आप लोग 2 का पहाड़ा का उपयोग करेंगे और इसका गुना कर पाएंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। और निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।